हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें चाहिए आपको एक पावरफुल इंजन, स्टाइलिश लुक और नए अच्छे सारे फीचर्स के साथ, वो भी एक बजट प्राइस में, तो आप सही जगह पे हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बजाज पल्सर N250 2023 की डुअल चैनल ABS मॉडल के बारे में। तो चलिए करते हैं कुछ बातें इस बाइक के बारे में। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे तो ये बाइक आता है एक नेकेड बाइक कैटेगरी के अंदर। इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही एग्रेसिव है। इसका जो हेडलाइट है वो LED प्रोजेक्टर लैम्प दिया गया है, जो इस बाइक को एक एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 DRL LED लाइट्स, जो हमेशा जलता रहता है। और इसका साइड जो लुक है और इसका बैक लुक है बहुत ही बढ़िया है, जो इस बाइक को एक देता है एक स्पोर्टी इन्हेंस। इंजन में आपको यहाँ पर एक 249cc का पावरफुल सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आता है 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। यानी यहाँ पर आपको 6 गियर नहीं मिलता है और यहाँ पर आपका लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी नहीं मिलता है। फिर भी ये बाइक एक बहुत ही बढ़िया इंजन प्रोवाइड करता है। बजाज इंजन के बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इस बजट के सेगमेंट में ये जो बाइक है आता है लोएस्ट कॉस्ट में एक बढ़िया 250cc का इंजन। इस बाइक का जो टैंक साइज़ है वो 14 लीटर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर हम माइलेज की बात करेंगे तो इस बाइक का माइलेज आपको देखने को मिलेगा 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। ब्रेकिंग में यहाँ पर डुअल चैनल ABS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, मतलब फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्हील में आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। फ्रंट में जो डिस्क यूज़ किया गया है वो है 300mm का डिस्क, और रियर में जो यूज़ किया गया है वो है 240mm का डिस्क। सो इस तरह से इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर टायर की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही व्हील में ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है। फ्रंट व्हील में यहाँ पर 180 सेक्शन का 17 इंच अलॉय व्हील, और रियर टायर में यहाँ पर 130/70 सेक्शन का 17 इंच अलॉय व्हील यूज़ किया गया है। मीटर कंसोल यहाँ पर सेमी डिजिटल ही दिया गया है, फिर भी यहाँ पर बहुत ही सारे फीचर्स मिलता है। जो डिजिटल पार्ट है मीटर का, वहाँ पर आप स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, गियर पोजीशन, ये सब चीज़ देख सकते हैं। और इसका जो एनालॉग पार्ट है वहाँ पर आपको टेकोमीटर देखने को मिलता है। साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन, बहुत सारे इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर डिजिटल में एक अच्छी चीज़ दिया गया है, रियल टाइम माइलेज आप चेक कर सकते हैं, यानी आपका गाड़ी का माइलेज कितना दे रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक डिस्टेंस टू एम्प्टी का जो डिजिटल में दिया गया है, उससे आप पता लगा सकते हैं आपके बाइक में मौजूदा पेट्रोल में आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल है आजकल के बाइक के लिए। और यहाँ पर एक USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। सस्पेंशन में यहाँ पर फ्रंट में एक 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर में यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो आसानी से छोटे मोटे गड्ढे को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस बाइक में एक गुड लुकिंग डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, जिसका साउंड बहुत ही बढ़िया है। इस बाइक का जो टॉप स्पीड है आपको आसानी से 125 से 130 का टॉप स्पीड मिल जाता है। फाइनली इस बाइक का जो कार्ब वेट है वो है 162 किलोग्राम, और इस गाड़ी का जो सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों मिलकर होता है 960mm, जो कि लगभग 3 फीट के आसपास होता है। आसानी से कोई भी इंसान इस 3 फीट के एक बाइक में आसानी से बैठ सकता है और चला सकता है। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 186,000 के आसपास। आप अपने सिटी में बजाज के शोरूम में जाके इस बाइक का ऑन रोड प्राइस पता लगा सकते हैं। सिटी टू सिटी ये जो प्राइस है वो वैरी करता है 2-3 हज़ार तक। इस प्राइस में 250cc सेगमेंट में बजाज का जो N250 है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली एंड फीचर्स लोडेड बाइक है। आप इस बाइक को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस बाइक का रिव्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत लोग इस बाइक को चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। बस इतना था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।